वेलकम एवरीवन वन इन टूडेज क्लास इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डी ब्रोगली वेब्स एंड इट्स इक्वेशन हमने डिस्कस किया था डी ब्रोगली का वेब इक्वेशन किया है कैसे ये डी ब्रोगली वेब कॉन्सेप्ट आया कैसे कॉन्सेप्ट आया कि एक पार्टिकल का भी वेब नेचर हो सकता है तो आज उसी के थोड़ा एडवांस पार्ट में जाएंगे और इससे आगे क्या हुआ क्या क्या आए इसके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन आज करेंगे इस वीडियो में तो चलो देखते हैं स्टार्ट करते हैं डी ब्रोगली का जो वेब इक्वेशन है उसी से और वो इक्वेशन क्या है कि लेमडा इक्वल्स टू एच बाई पी लैमडा इक्वल्स टू एच बाई पी ये जो इक्वेशन है यहाँ पे ही मैटर का जो वेब प्रॉपर्टी है या फिर हम बोल सकते हैं द डुअलिज्म ऑफ मैटर इज इन मतलब मैटर का डुअलिज्म यहाँ पे छुपा है कैसे कैसे ये कि यहाँ पे जो टर्म लैमडा है दिस इज नथिंग बट द वेब कैरेक्टरिस्टिक्स ये वेब कैरेक्टरिस्टिक्स है लेमडा और ये जो टर्म पी जिसे हम मोमेंटम कहते हैं इट इज प्योरली अब फार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स तो यहाँ से हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये एक ऐसा इक्वेशन है जहाँ पे वेब एंड वेब नेचर और वेब कैरेक्टर पार्टिकल कैरेक्टर दोनों कम्बाइंड है सो दिस इज डुअलिज्म नेचर इज वेरी क्लियर हियर। द फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट क्या है ना सेकेंड पॉइंट ये है अगर इसे हम नंबर दे दे तो ये हमारा पहला पॉइंट था कि डुअलिज्म सेकेंड पॉइंट क्या है ना सेकेंड पॉइंट ये है कि डी ब्रोगली का जो वेव इक्वेशन है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड मैटर इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड नेचर ऑफ द मेटेरियल पार्टिकल कोई भी मटेरियल पार्टिकल हो उसके ना उसके चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है ना उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है मतलब सबके सब के, सब के मैटर होता है किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता यह है दूसरा करेक्टर अगर हम तीसरा करेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे तीसरा एक और बात यहाँ पे खास बात है कि डी ब्रोगली से हम देख पा रहे हैं कि लेमडा प्रोपोर्शनल टू वन बाई पी ये हम बोल सकते हैं हम जानते हैं पी इक्वल्स टू एम भी यहाँ से हम और एक बात को आगे बढ़ा सकते हैं कि लेमडा प्रोपोर्शनल टू वन बाई एम तो इसका मतलब ये हुआ कि इन वेवलेंथ को हम तभी मेजर कर सकते हैं जब एम का वैल्यू बहुत ही स्मॉल हो एम का वैल्यू कितना स्मॉल हो कि हम माइक्रोस्कोपिक मेजरमेंट ठीक तरीके से कर सकते हैं लेमडा का मतलब माइक्रोस्कोपिक मेजरमेंट मतलब वी कैन मेजर अप्रोप्रिएटली द लेमडा ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स का लेमडा मेजर कर सकते हैं पर हम हमारे दुनिया में आसपास में जो भी चीज़ देखता है वीच वी कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड तो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में क्या प्रॉब्लम होता है नहीं इन मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड ये प्रॉब्लम होता है कि मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में सभी चीज का मास बहुत ही लार्ज होता है इसी के कारण लार्ज होने के कारण हम देखा है कि लेमडा प्रोपोर्शनल टू वन बाई एम तो मास इतना लार्ज होता है कि हम लेमडा बहुत छोटा है लेमडा तब बहुत स्मॉल हो जाता है एंड इट इज देन इमेजरेबल तब हम उसे मेजर नहीं कर सकता तो इसीलिए जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स है इन आवर डेली लाइफ दे डू नॉट शो वेब लाइक प्रॉपर्टीज वेब लाइक प्रॉपर्टी शो नहीं करता नेक्स्ट अब हम जाएंगे थोड़ा एडवांस पार्ट में एडवांस पार्ट में डिस्कशन मैटर वेब के एडवांस पार्ट में डिस्कशन करने के लिए हमें दो चीज़ का ज्ञान होना ज़रूरी है जिसमें पहला है हाइजन बार्ग अनसर्टेंटी प्रिंसिपल हाइजन बार्ग का अनसर्टेंटी प्रिंसिपल जानना बहुत ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इस प्रिंसिपल के हिसाब से इट इज नॉट पॉसिबल नॉट पॉसिबल टू मेजर नॉट पॉसिबल टू मेज़र क्या मेजर करना पॉसिबल नहीं है बोथ द पोजिशन एंड मोमेंटम दो चीज़ क्या क्या एक है पोजिशन बोथ द पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ साब एटोमिक पार्टिकल मोमेंटम ऑफ साब एटोमिक पार्टिकल ये दोनों एक साथ हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं बहुत मोमेंट पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ सब एटोमिक पार्टिकल एट द सेम टाइम एक्जैक्टली एट द सेम टाइम एक्जैक्टली मतलब एक साथ एक साथ एग्जैक्टली exactly, एग्जैक्टली exactly, मतलब एकदम परफेक्ट वैल्यू जो है एक सब एटोमिक पार्टिकल का पोजिशन एंड मोमेंटम मेजरमेंट नहीं कर सकता जिसका मतलब ये है कि अगर हम पोजीशन को एग्जैक्टली exactly मेजर करेंगे तो मोमेंटम में कुछ अनसर्टेंटी आएगा अनसर्टेंटी मतलब उसका वैल्यू में कुछ एरर आएगा है? मतलब वैल्यू जो होना चाहिए था उसी टाइम वो नहीं होगा या फिर अगर हमने मोमेंटम को मेज़र कर लिया तो पोजिशन में अनसर्टिनटी हमें देखने को मिलेगा तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हाइजनबर्ग ने यह कहा कि अगर डेल्टा एक्स है पोजीशन अनसर्टेनिटी और डेल्टा पी है मोमेंटम अनसर्टेनिटी तो इन दोनों अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई फोर पाई वेयर एच इज़ आवर प्लैंक्स कांस्टेंट तो ये एच बाई फोर पाई मिनिमम वैल्यू होगा उससे ज़्यादा भी हो सकता है ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है देखेंगे बाद में हम ये प्रिंसिपल कैसे डी ब्रोगली के प्रिंसिपल के साथ मैच करते हैं तो उसके पहले हम और एक चीज़ देखना चाहेंगे और नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ मैक्स बॉर्न इंटरप्रिटेशन मैक्स बॉर्न का जो इंटरप्रिटेशन है उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे तो मैक्स बॉर्न ने क्या बताया और किस बारे में इंटरप्रिटेशन न दिस इज़ द इंटरप्रिटेशन अबाउट मैटरवेब एम्पलीट्यूड मैटरवेब का एम्प्लीट्यूड के बारे में उन्होंने एक इंटरप्रिटेशन दिया उन्होंने अपने इंटरप्रिटेशन में क्या कहा उन्होंने अपने इंटरप्रिटेशन में ये कहा कि स्क्वायर ऑफ़ एम्प्लीट्यूड जिसे हम इंटेंसिटी भी कहते हैं स्क्वायर ऑफ़ एम्प्लीट्यूड और जिसे हम इंटेंसिटी भी कहते हैं वो इंटेंसिटी मैटर वेव का जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा मतलब हम कह सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ मैटर वेब इंटेंसिटी ऑफ मैटर वेब इंटेंसिटी ऑफ मैटर वेब इट इज प्रोपोर्शनल टू किसके साथ प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ मैटरवेब नहीं इट इज़ प्रोपोर्शनल टू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ प्रोबाबिलिटी डेंसिटी ऑफ मैटर और द पार्टिकल किसके साथ प्रोबाबिलिटी डेंसिटी ऑफ या फिर हम इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं पार्टिकल भी लिख सकते हैं नाउ वट डज इट मीन प्रोबाबिलिटी डेंसिटी एक नया टर्म है प्रोबाबिलिटी डेंसिटी मतलब कि कौन से जगह में इलेक्ट्रॉन या उस पार्टिकल का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है ये फाइंड आउट करना दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और हम कह सकते हैं उसका पोजिशन व्हाट इज़ द पोजिशन ऑफ दैट पार्टिकल दैट इज उसका होने का संभावना क्या है किसी जगह में वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ मैटर मैटरवेव पे जितना इंटेंसिटी ज़्यादा होगा उतना उस जगह में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बढ़ जाएगा होने का चांसेस बढ़ जाएगा दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द मैक्स इंटरप्रिटेशन इंटरप्रटेशन मैक्सबॉर्न के इंटरप्रिटेशन के हिसाब से ये अब हम क्या देखेंगे अब हम देखते हैं कि इन सबको मिला के हमें क्या मिलता है तो हम वापस चले जाते हैं डी ब्रोगली के रिलेशन में। तो डी ब्रोगली का रिलेशन क्या बोल रहा है डी ब्रोगली का रिलेशन ये बोल रहा है कि लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी पी मीन्स मोमेंटम नाउ सपोज एन इलेक्ट्रॉन हैज डेफिनाइट मोमेंटम एन इलेक्ट्रॉन हैज डेफिनाइट मोमेंटम डेफिनाइट मतलब फिक्स्ड मोमेंटम जिसका अर्थ क्या है जिसका अर्थ यह है कि अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम अनसर्टन मतलब एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम दैट इज जीरो क्योंकि डेफिनाइट मोमेंटम है अगर डेफिनाइट मोमेंटम है तो डी ब्रोगली का रिलेशन क्या बताता है कि डी ब्रोगली का रिलेशन बताता है कि मोमेंटम डेफिनाइट है मीन्स उसका लैम्डा भी होगा डेफिनाइट जिसका मोमेंटम डेफिनाइट उसका लैम्डा भी डेफिनाइट अब आता है एक नया कॉन्सेप्ट कि जब लैम्डा डेफिनाइट होता है इसका मतलब लैम्डा को हम परफेक्टली मेजर कर सकता है लोकेट कर सकता है लैम्डा मेजरमेंट जब करेंगे इसका मतलब वो वेब इट इज एक्सटेंडेड वेब इज एक्सटेंडेड द ऑल ओवर द स्पेस वेब इज एक्सटेंडेड इन ऑल ओवर द ओवर स्पेस जब लैम्डा वेब लेंथ हम मेजर कर सकते हैं तो वेब पूरा स्पेस में रहेगा जिसका मतलब है कि वेब का एग्जैक्ट लोकेशन हमें नहीं मिलेगा कहीं भी हो सकता है वेब का कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं नॉट एट ए पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट और पोजीशन इट इज एक्सटेंडेड ऑल ओवर द स्पेस जिसका मतलब एक ही होता है ये ऑल ओवर द स्पेस एक्सटेंडेड है मतलब डेल्टा एक्स वी कॉल्ड पोजीशन अनसर्टेनिटी दैट टेंड्स टू इनफाइनाइट तो मतलब उस इलेक्ट्रॉन का पोजीशन अनसर्टेनिटी इनफाइनाइट मतलब हम जितना भी मेजरमेंट करें उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता करना इम्पॉसिबल है तो इसका मतलब यह है कि अगर मोमेंटम अनसर्टेनिटी इज़ देन पोजीशन अनसर्टेनिटी टेंस टू इनफाइनाइट तो इसका मतलब दोनों अनसर्टेनिटी पोजीशन अनसर्टेनिटी एंड मोमेंटम अनसर्टेनिटी दे कैन नॉट साइमल्टेनियसली जीरो ओ एक साथ कभी जीरो नहीं हो सकता है जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ मैच करता है तो इसका मतलब जिस जो हम यहाँ पे एग्जांपल बताए उस हिसाब से वेब कैसा होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन का वेब कुछ इस तरह का होना चाहिए ऐसे एकदम जिसका एकदम रिदमिक वेब हम जिसे कहते हैं एकदम पीरियोडिकली वाइब्रेशन जिसका हम ऐसे लैम्डा मेजरमेंट कर सकते हैं ठीक है ये है इसका लैम्डा मतलब इसका वेब इज एक्सटेंडेड ऑल ओवर द स्पेस पर ऐसा होता नहीं तो क्या तो तभी आया मॉडिफाई हुआ डी ब्रगली का जो रिलेशन उसके हिसाब से बताया गया कि ये जो मैटर मेटरवेब है ये मैटर मैटरवेब एक्चुअली इट इज ए वेब पैकेट इसे बताया गया कि मैटर मैटरवेब इज नथिंग बट ए वेब पैकेट एक ऐसा पैकेट है वेब का जहाँ पे एक वेब का वेब नहीं तीन चार वेब का वेब मिक्स हो के रहता है जिस एक सेंटर वेब के अराउंड एक वेब के अराउंड ये सब मिक्स हो के रहता है वी कैन से इट इज ए वेब पैकेट ये एक वेब पैकेट जैसा रहता है जहाँ पे तीन चार या उससे भी ज़्यादा मोर देन वन वेब वेब ऑफ वेब आर मिक्स टुगेदर और जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है मतलब ये वाला वेब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन या उस पार्टिकल का मिलने का चांसेस ज़्यादा होता है ओके से एक बात हम बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे वेब लेंथ अलग अलग वेब लेंथ का वेब है या फिर स्प्रेड ऑफ वेब लेंथ है लैमडा इज नॉट डेफिनाइट हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे लैमडा इज नॉट डेफिनाइट लेमडा डेफिनाइट नहीं है तो पीछे के रिलेशन से हम बोल सकते हैं कि लेमडा डेफिनाइट नहीं है तो इसका मतलब पोजिशन का भी थोड़ा सा अनसर्टेंटी है सॉरी मोमेंटम का भी अनसर्टेंटी है क्योंकि लेमडा के साथ मोमेंटम का रिलेशन है तो लैमडा इनडेफिनाइट है मतलब मोमेंटम भी इनडेफीनाइट होगा अगर लैमडा इनडेफीनाइट है तो मोमेंटम मान डेल्टा पी हैज सम वैल्यू डेल्टा पी का भी कुछ वैल्यू होगा अगर डेल्टा पी का कुछ सब वैल्यू है तो डेल्टा एक्स हैज़ ऑल्सो सम वैल्यू डेल्टा एक्स का भी कुछ वैल्यू है एंड दिस इज द वेब पैकेट पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो सब रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं हाइजेंबाग अनसर्टेनिटी बॉन्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और डी ब्रॉगरी रिलेशन इन तीनों को मैच करके ये वेब पैकेट डिस्क्रिप्शन हमें मिल रहा है सो दिस इज वी कैन से दिस इज वेब पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का ये है वेब पिक्चर दिस इज द वेब पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेब पैकेट डिस्क्रिप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन सो दिस वॉज द एडवांस पार्ट वीडियो एडवांस पार्ट वीडियो था ये तो फिर ये चैप्टर इस बार सिलेबस में डेविशन जर्मर का एक्सपेरिमेंट नहीं रखा है बात दे दिया है तो इसीलिए लिए ये चैप्टर लगभग यही ख़त्म होता है फिर भी थोड़ा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और कुछ डिस्कशन अगर रहा तो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर देंगे तो किसी का कुछ डाउट रहा तो ज़रूर पूछे और उसके साथ साथ ये चैप्टर को अच्छे से पढ़े बहुत ही अच्छा चैप्टर है ओके इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर दिस काइंड ऑफ वीडियोज़ सो थैंक यू एवरी वन